हेलो एंड वेलकम बैक टू द श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा सेशन चलने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो कि हमारा पार्ट टू है। क्लास हमारी 5 चल रही है इस टाइम पे, ठीक है। पार्ट 1 हमारा वर्ब का था, तो जिस भी स्टूडेंट्स ने हमारी वर्ब की वीडियो नहीं देखी है तो वो जल्दी से जाके, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में रखा है मैंने वर्ब का, जल्दी से इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ हम चलते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस जगह पर हम किस सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हमारी क्लास है। सबसे पहला हम इसके अंदर देखते हैं कि होता क्या है। बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। दैट्स क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा है। देर आर अ सिंगुलर सब्जेक्ट वी टेक एज अ सिंगुलर वर्ब एंड वेयर आज अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक अ प्लूरल वर्ब। दैट्स क्लियर। इन द सेंस फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको थोड़ा सा। शी गोज टू द टेम्पल डेली, वह रोज टेम्पल जाती है। यहाँ पे शी का इस्तेमाल किया है, तो शी क्या है इसके अंदर सिंगुलर है। ये सिंगुलर हमारे लिए क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है ना। जब सिंगुलर दे रखा है तो इसके साथ कैसी इस्तेमाल होगी वर्ब, कैसी इस्तेमाल होगी, इसके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होगी। सेकंड हमारा माई फ्रेंड्स गोज फॉर शॉपिंग। तो माई फ्रेंड्स गो फॉर शॉपिंग में हम फ्रेंड्स काफ़ी सारे हैं, तो इसके अंदर कैसी वर्ब इस्तेमाल होने वाली है, सर इसके अंदर कैसी वर्ब इस्तेमाल होगी। तो हमें पता है जी ये प्लूरल दे रखा है, तो प्लूरल के साथ हमें कैसी वर्ब इस्तेमाल होती है, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। क्लियर है अला, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये सेकेंड पार्ट है हमारा इसका, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और, बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली बात है ये। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं किसके द्वारा, बाय और इधर और या फिर और निधर नोर, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा। दैट्स क्लियर, येस और नो, आई थिंक येस। तो बाय और, इधर और, निधर और या नॉर या सिंगुलर, जहाँ पे हमें निधर नॉर दिखेगा वहाँ पे हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। क्लियर है अली बात। फॉर एग्जांपल्स हम देखते हैं, एग्जांपल्स हमें क्या बोलता है, माय आंट एंड माय अंकल इज अराइविंग बाय द ट्रेन। इसके अंदर वर्ब क्या लगाई है हमने, अगर देखा जाए तो वर्ब इसके अंदर इज लगाई है, सिंगुलर वर्ब लगाई है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट एंड देन सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। सेकंड में देखते हैं निधर और, देखो हमने ऊपर पढ़ा था निधर और नोर, निधर और नोर आया, हमने इसके साथ क्या लगाया, इज लगाया। दैट्स क्लियर, सिंगुलर वर्ब है। आगे बढ़ते हैं, अगले में दे रखा है हमें क्या, इधर क्या ना और कैसी, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में इधर और है, क्या लगाएंगे हम इसके साथ, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल, इसके अंदर हम सिंगुलर लगाएंगे, यानी कि हमने इसको इसके अंदर लगा दिया। दैट्स क्लियर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके अंदर दो, इसके साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर, हमने ऊपर इसके अंदर अभी रूल में पढ़ा था। क्लियर है अली बात। ये हमारा नेक्स्ट रूल है, ये क्या है हमारा नेक्स्ट रूल है, द वर्ब्स इज एन और इधर और निधर और सेंटेंस एग्री विद द नाउन एंड प्रोनाउन क्लोजेस्ट इट। अगर हमें सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, इधर और, निधर और, सेंटेंस एग्री विद किसके साथ होगा, जो उसका नियरेस्ट या क्लोजेस्ट नाउन या प्रोनाउन हमें दे रखा होगा, जहाँ हमें क्लोजेस्ट नाउन और प्रोनाउन दे रखा होगा वहाँ पे हम इसकी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा जो नियरेस्ट, हम बोले कि अगर जो हमारा नियरेस्ट हमें जो दे रखा है, क्या दे रखा है सर, नियरेस्ट अगर हमें नाउन या प्रोनाउन दे रखा है, क्या दे रखा हो, नियरेस्ट नाउन और प्रोनाउन जो भी दे रखा होगा उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे नाउन हमें प्लूरल दे रखी होगी नियरेस्ट, जैसे कि दो नाउन, विद एग्जांपल एक बार देखते हैं इसको, क्लियर, विद एग्जांपल अगर हम देखते हैं, इसमें लिखा नीदर द प्लेट्स, क्या है, नीदर प्लेट्स और नॉर, क्योंकि नीदर के साथ नॉर ऑलवेज आता है, ठीक है,
द सर्विंग बॉल गोज ऑन द शेल्फ। हमारे पास दो इसके अंदर दे रखे हैं, एक दे रखा है प्लेट्स, एक दे रखा है बॉल्स। लेकिन ये तो हमारा क्या है, प्लूरल, लेकिन ये सिंगुलर है, तो हम कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर? तो हम इसके अंदर कौन सी वर्ब लेंगे भाई? नियरेस्ट कौन सा है? नियरेस्ट सिंगुलर है, तो कौन सी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। सेकंड हम पढ़ते हैं, तो सेकंड के अंदर देखा नीदर द सर्विंग बॉल, ये क्या है? सिंगुलर है। द प्लेटलेट्स प्लूरल है, कौन सी वर्ब का इस्तेमाल होगा? प्लूरल का, तो हमने यहाँ पे प्लूरल का वर्ब का इस्तेमाल किया है। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एज अ जनरल रूल, ये रूल नंबर 4 है हमारा शायद। एज अ जनरल रूल वी यूज प्लूरल वर्ब विद द टू और मोर सब्जेक्ट्स विद दे आर कनेक्टेड बाय एंड। जहाँ भी एंड के साथ कोई भी सब्जेक्ट जोड़ा जाएगा, सिंगुलर वर्ब, अगर एक सिंगुलर वर्ब हमें दे रखी है, क्या दे रखी है सर? अगर एक हमें सिंगुलर वर्ब दे रखी है, उसको हमने किसके साथ जोड़ दिया? एंड के साथ। किसके साथ जोड़ देंगे? एंड के साथ। एक हमें सिंगुलर वर्ब दे रखी है, ठीक है, उसको हमने क्या करा, हमने उसको एंड के साथ जोड़ दिया, फिर एक सिंगुलर वर्ब आ गई हमारे पास, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, वहाँ पे प्लूरल आएगा, क्या आएगा? प्लूरल वर्ब लगाई जाएगी। जैसे कि एग्जांपल से इसको समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं, विद एग्जांपल ज़्यादा समझ आएगा। अ कार एंड अ बाइक, देखो दो सिंगुलर है, एक सिंगुलर एरा, एक सिंगुलर एरा, दो सिंगुलर हमें दे रखा है इसके अंदर, साथ में किससे हमें एंड से इसको जोड़ रखा है। जहाँ भी एंड से जोड़ा जाएगा वहाँ पे क्या लगेगा सर? वहाँ पे प्लूरल लगेगा। क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, उसके साथ हमने किसको लगा दिया? प्लूरल लगा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा रूल हमें यही कहता है, तो ठीक है। तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट के अंदर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हमें इसे ही जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस जगह क्या लगाना, वरना जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं हमारी सेंटेंस में गलतियां निकलती रहती हैं, तो वो गलतियां ग्रामर से जो है वो कम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल क्या बोलता है? अगला जो हमारा अगला रूल है वो हमें क्या कहता है? अगला रूल कहता है सर, समटाइम्स द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय सच वर्ड एज अलोंग विद, ठीक है, अलोंग विद किसके अलोंग विद होता है सर? वो अलोंग विद होता है एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। इन द सच केसेस द वर्ब एग्री विद फर्स्ट सब्जेक्ट। जहाँ भी एज वेल एज क्या लगेगा? जहाँ भी एज वेल एज लगेगा, क्या लगेगा? जहाँ भी हमारा एज वेल एज, बिसाइड, नॉट, ठीक है, ये सारे केसेस आते हैं, वहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो पहला सब्जेक्ट जैसा भी होगा। अगर पहला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा पहला सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो हम वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। विद एग्जांपल अगर हम इसको देखते हैं, तो द पॉलिटिशियंस अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। भाई इसके अंदर हमें पॉलिटिशियन दे रखा है। पॉलिटिशियन क्या है हमारा? प्लूरल है या सिंगुलर है सर? अगर हम देखें तो ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा, फ्रेंड्स हमारा प्लूरल है। इससे पहले वाले जो हमारे सेंटेंस थे उसके अंदर हमने विद नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? अलोंग आ रहा है। हमने अभी सेंटेंस के जो रूल है उसमें पढ़ा था ना, अगर यहाँ पे अलोंग है तो जो हमारी वर्ब होगी किसके साथ जाएगी? फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ जाएगी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से तो भैया हमारी जो वर्ब आनी चाहिए वो कैसे आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए ना। तो प्लूरल के लिए हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट है हमारी वो प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे जो वर्ब का इस्तेमाल करा है, किसका इस्तेमाल करा है? वर्ब का, वो भी कैसी है? प्लूरल का इस्तेमाल किया है। क्लियर है यह चीज? अगला सेंटेंस हम देखते हैं, एक्साइटमेंट एज वेल एज, फिर देखो एज वेल एज का यूज़ हमने फिर करा, नर्वसनेस इज़ द कॉजनेस ऑफ शेकिंग। यहाँ भी हमने देखो एक्साइटमेंट क्या है हमारी, पहली सब्जेक्ट है ना, ये हमारा पहला सब्जेक्ट, इसके साथ हमने किसका यूज़ करा? ये तो हमारा भाई सिंगुलर है, सॉरी ये क्या है हमारा? सिंगुलर है। यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल करा है, ये भी हमारा सिंगुलर वर्ब कहलाता है। क्लियर है अली बात?
तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाया जाएगा इस केस में, जहाँ पे अलोंग विद या एज वेल एज दे रखा हो। क्लियर है अली बात? आगे चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल हमें क्या कहता है? अगला रूल हमें कहता है सर, यूज़ ऑफ अ सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंस पीरियड्स ऑफ टाइम। अगर हमें डिस्टेंस पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से वर्ब्स हमें दे रखी है, कैसी? सिंगुलर वर्ब्स, सम ऑफ मनी एटसेट्रा, जैसा भी हो, चाहे सम ऑफ मनी हो, यार्ड्स हो, कुछ भी हो, हम उसको कैसे कंसीडर करेंगे? एज अ यूनिट। कैसे? यूनिट के टर्म में हम उसे करने वाले हैं। कैसे? यूनिट के टर्म में, कि जिस प्रकार से हमें यूनिट दे रखी होगी। एग्जाम्पल से देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल से थोड़ा समझ आएगा। देखिए, हमें इसके अंदर दे रखा है थ्री मील्स। भाई मील्स कितनी है? थ्री, वन टू और थ्री। हमारे पास मील कितनी है? थ्री, यानी कि तीन मील पे व्यक्ति चलाए। थ्री मील इज टू फॉर टू वॉक। तीन मील क्या है? बहुत ज़्यादा है चलने के लिए सर, बहुत ज़्यादा चलने के लिए। तो थ्री मील की यूनिट कितनी हुई? एक। अब एक यूनिट हुई तो सब्जेक्ट कैसा हुआ? ये सिंगुलर हुआ ना, इसलिए हमने इसके साथ इसका यूज़ करा है। हम बात करते हैं ईयर्स की। अब यहाँ पे जब ईयर्स की बात हो रही है तो ईयर्स कितने हैं? फाइव ईयर्स। लेकिन यूनिट तो एक ही है ना, तो एक यूनिट है तो क्या होगा? एक यूनिट का मतलब सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर के साथ हमेशा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दैट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल सिंपल सी बात सिर्फ यही कह रहा है आपसे, विद कलेक्टिव नाउन्स, जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स होती हैं, हमने नाउन के अंदर पढ़ रखा है इसको, सच एज अ ग्रुप, जूरी, फैमिली, ऑडियंस एंड पॉपुलेशन, द वर्ब माइट बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द राइटर्स इंटेंट। जो हमारी जितनी भी ग्रुप होंगी, जूरीज होंगी, फैमिलीज होंगी, ऑडियंस होंगी, ठीक है, ग्रुप होगी, जूरी होगी, फैमिली होगी, ऑडियंस होंगी, पॉपुलेशन, वर्ब्स माइट बी सिंगुलर एंड प्लूरल डिपेंडिंग ऑन राइटर्स इंटेंट। राइटर के इंटेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सी वर्ब इसके साथ यूज़ करेगा। विद एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स हमसे क्या कहता है? एग्जांपल कहता है ऑल माय फैमिली, ऑल माय फैमिली। तो सिंगुलर हुआ प्लूरल हुआ? सर ये तो सिंगुलर प्लूरल दोनों माना जाएगा, तो हमने देखो हैज़ और हैव दोनों का इस्तेमाल इसके अंदर किया है। क्लियर वाली बात? तो एज पर राइटर्स, जो राइटर होगा उसके ऊपर निर्भर करता है वैसे क्या इस्तेमाल करना। मोस्ट ऑफ द ज्यूरी, हम यहाँ पे ज्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट ऑफ द ज्यूरी इज हेयर फॉर आर। भाई हमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लिया और आर का इस्तेमाल कर लिया। एज़ पर राइटर, जो राइटर के मन में होगा वो इसका इस्तेमाल करना चाहे वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, अगर उसे आर का इस्तेमाल करना है तो वो आर का इस्तेमाल इसके अंदर कर सकता है, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होगी। ठीक है, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल हमें इसके अंदर दे रखा था, क्या दे रखा है एग्जाम्पल के अंदर? एग्जाम्पल में हमें दे रखा है अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन वॉज नॉट इन फेवर और वर नॉट इन फेवर बिल। तो इसमें भी क्लियर सी बात है सर, हमने और से इस सेंटेंस को जोड़ दिया ना, और से मैंने इसलिए जोड़ा इन सेंटेंसों को क्योंकि और से जोड़ने के बाद हमें पता लगता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सब्जेक्ट अलग है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है हमारी लाइन है वो अलग है सेंटेंस की। तो यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो, पॉपुलेशन की बात करिए, हमने रूल में पढ़ा था अभी ऊपर कि पॉपुलेशन में था क्या, तो इस रूल के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो इसमें हम वॉज भी लगा सकते हैं और वर का यूज़ भी कर सकते हैं। क्लियर वाली बात? एज पर राइटर, जो राइटर चाहेगा, अगर राइटर इसके अंदर वॉज लगाना चाहे वॉज भी ठीक होगा और वर लगाना चाहे वर भी ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमारा जो हमने इसके अंदर रूल्स पढ़े हैं, ये सारे रूल्स ही हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आते हैं। ये हमारे कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक बार इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को भी ठीक से कर लेते हैं। देखिए, मैंने लिखा है मैन एंड वुमेन, साथ में इसको किसके साथ जोड़ा हुआ है सर? तो साथ में मैंने इसको एंड के साथ जोड़ा है। जब एक सिंगुलर वर्ब और दूसरी भी, सॉरी, एक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड दूसरा भी क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? प्लूरल बनता है। अगर सिंगल होता तो मैं इस लगाता, अब प्लूरल है दोनों तो मैं क्या लगाऊंगा इसके अंदर? मैं इसके अंदर लगाऊंगा आर। क्लियर वाली बात? तो यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
दूसरा है द लीडर एज वेल एज हीज ब्रदर्स। तो एज वेल एज लगाया ना मैंने, क्या लगाया, एज वेल एज लगाया, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग आएगा। क्लियर है अभी बात, आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए आगे दे रखा है हमें कैट्स, क्या दे रखा है हमें, कैट्स एंड डॉग डैश नॉट गेट अलोंग। यहाँ पे क्या दे रखा है, अलोंग दे रखा है, और हमें पता है तो अलोंग दे रखा है और साथ में नॉट, तो हमेशा हम इसके साथ कैसे लगाएंगे वर्ब, इसके साथ प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी इसको एंड से जोड़ दिया है, जब एंड से जोड़ देते हैं तो प्लूरल लगता है, अगर सिंगुलर होता तो डज लगता, अब प्लूरल है तो क्या लगेगा, यहाँ पे डू लगेगा। क्लियर वाली बात। नेक्स्ट इसके हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें क्या कहती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज कहती है नीदर माई फ्रेंड्स, वॉट नीदर एंड माई फ्रेंड, देखो नीदर और नॉट लग गया हमें सेंटेंस का, हमें पीछे रूल हमने पढ़े थे उसके हिसाब से लिखे, माई डैड डैश हर फॉर कन्वकेशन, भाई नीदर एंड माई फ्रेंड्स लगा हुआ है ना, लेकिन माई डैड इसके अंदर क्या है, नियर बाय है, तो नियर बाय जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसके हिसाब से तो यहाँ पे सिंगुलर लगना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर क्या होगा हमारा, इसका इज हो जाएगा। क्लियर है अली बात, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा क्या, अगला सेंटेंस है नीदर माई अंकल नॉर हिज फ्रेंड्स कमिंग फॉर पार्टी। अब इसके अंदर देखो दो सब्जेक्ट हमें इसके अंदर दे रखा है, तो एग्रीमेंट के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, माई अंकल तो सिंगुलर है लेकिन फ्रेंड्स क्या है इसके अंदर, प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से भी हमें इसको चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नीदर लगा हुआ है, तो प्लूरल के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसके अंदर आएगा आर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स गोइंग टू USA फॉर वर्कशॉप। भाई मेरा एक फ्रेंड है जो कि USA पे जा रहा है, मतलब USA पे वर्कशॉप के लिए जा रहा है, तो वर्कशॉप के लिए जा रहा है ना, तो क्या जा रहा है, एक ही फ्रेंड तो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगल सब्जेक्ट, तो सिंगल एग्रीमेंट एंड सिंगल वर्ब लगाई जाएगी। क्लियर है अली बात। अगले सेंटेंस पर चलते हैं, अगला सेंटेंस हमें क्या कहता है, द क्लास वर्किंग टुगेदर फॉर प्रोजेक्ट। भाई पूरी क्लास ही तो एक साथ काम कर रही है, तो यूनिट कितनी है, अभी हमने यूनिट के बारे में पढ़ा था, यूनिट कितनी है इसके अंदर, पूरी क्लास हो तो क्लास तो एक ही मानी जाएगी ना, तो एक यूनिट के साथ हमेशा कैसी वर्ब यूज़ की जाएगी, जब एक यूनिट है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यानी कि इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा, किसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। क्लियर वाली बात। नीदर माई फ्रेंड्स नॉर, ठीक है, आई फूड, भाई नीदर माई फ्रेंड्स यानी कि मेरा दोस्त और मैं, भाई नियर बाई क्या है, आई है ना, तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, इसका हिसाब लगाया जाएगा, इसका फ्रेंड्स एंड आई दो व्यक्ति हो गए ना, लेकिन नीदर नॉर के साथ लगाया गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा लाइक्ड ही आएगा, पसंद ही तो करते हैं खाना, एज पर जो हमें सब्जेक्ट दे रखा है उस सब्जेक्ट के हिसाब से हमें चलना है। दैट्स क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, आगे हमें बोला गया है क्या, ₹50 द मैक्स आई कैन पे फॉर दिस प्रोडक्ट, यानी कि ₹50 ही मैं सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम पे कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। तो भाई ₹50 है, हमने पीछे पढ़ा था रुपीज़ हो चाहे कुछ भी हो, यूनिट तो हमारी रुपीज़ ही आएगी ना, तो जब यूनिट हमारी सिंगुलर है तो हमारा वर्ब कैसी आएगी, हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, कहने का मतलब यहाँ पे इज ही आएगा। तो ये हमारे कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स थे, इसके हिसाब से ही रूल्स बिल्कुल ध्यान से कॉपी में उतार के पढ़ लीजिएगा, ना समझ आए दोबारा वीडियो को देख सकते हो, अगर कुछ और नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं इसके लिए कुछ उपाय निकालूंगा। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। स्टे होम सेफ होम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक और ज़रूरी बात फिर से बोलना चाहूँगा मैं, अगर जिस भी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आती है मुझे कमेंट सेशन में आके कमेंट कर दे, जिससे कि मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं, ठीक है। तो क्लियर सी बात यही है,
कि आप ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ना समझ आए कमेंट कीजिए, मैं उस पर कमेंट ज़रूर देखूँगा, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।